फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये है सोनी का एम्पलीफायर जो कि कार वगैरह में लगता है, तो मैंने इसे घर पर ही इसे सेट कर दिया वॉल में और इसके कनेक्शन मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो ये चलेगा किससे, तो ये चलेगा बैटरी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट, मतलब कि ये 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट होने वाला है। तो इसे हम आपको इससे कनेक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेस ट्यूब दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसे कनेक्शन किस प्रकार करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है JBL का बेस ट्यूब जिसे मैंने इस तरह सेट किया हुआ है वॉल पर, और अब मैं आपको स्पीकर भी दिखा देता हूँ। और ये आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे स्पीकर जो कि मैंने हैंडमेड बनाए हुए हैं घर पर ही, और इसे भी मैंने 12 वोल्ट की बैटरी जो कि मैंने इसे यहाँ पर सेट किया हुआ है, और इससे आप देख पा रहे हैं 2 वायर्स गए हुए हैं जो कि हमारे एम्पलीफायर में सीधा पहुंच गए हैं। तो यहां से हमें एम्पलीफायर में करंट मिल जाती है वोल्टेज। तो अब हम इसके कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने वहां पे आपको बैटरी दिखाई, तो वही बैटरी की 12 वोल्ट लाइन यहां पे आई है। देखिए यहां पे ये पॉजिटिव और ये ब्लू वाला इधर निगेटिव, तो मैंने निगेटिव को इसमें टेप लगा, मतलब निगेटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दिया इस तरीके से एम्पलीफायर के वायर को कनेक्ट। तो आप देख पा रहे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हमें बैटरी का निगेटिव यहाँ पे देना है 12 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे बैटरी का निगेटिव दे दिया, और यहाँ पे आपको प्लस 12 वोल्ट देना जो कि बैटरी का, मैंने यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट दे दिया। और ये है रिमोट, मतलब कि यहाँ पे आप ये स्विचिंग के लिए, तो जैसा कि मैंने इसमें एक जम्पर वायर जोड़ा हुआ है, ये स्विचिंग के लिए होता है, तो आप इसमें स्विच लगा करके यहाँ ऑन ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। और ये है 30 एम्पियर का एक फ्यूज, 30 एम्पियर का जो कि कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हमारा एम्पलीफायर को सेव करेगा। और ये है आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से स्पीकर के 1 2 3 4, मतलब कि 2 चैनल का है ये। तो इसमें एक चैनल में मैंने जो राइट लिखा है, मतलब राइट वाले चैनल पर हमने बेस ट्यूब को किया है कनेक्ट, और ये वाला अभी खाली पड़ा है, इसमें हमारे अभी हमने कोई स्पीकर नहीं लगाया हुआ है। तो इधर ये पॉजिटिव और निगेटिव, आपको पॉजिटिव निगेटिव इसमें भी ध्यान रखना है, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, और ये इंडिकेटर लगा हुआ है इस तरीके से। अभी हमारा एम्पलीफायर ऑन है और ये जल भी रहा है, देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और ये है इनपुट, मतलब कि आइडियो इन कराने के लिए ये है, और अब आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर भी जल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हम आइडियो इन कराएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आइडियो इन इनपुट, मतलब कि यहाँ पे हमें ऑक्स इनपुट कराना है। तो मैंने एक ये हैंडमेड एम्पलीफायर बनाया था जिसमें कि इस तरीके का जैक नहीं बना हुआ है, तो मैंने ये देखिए इस लीड को ले जा करके इसमें वायर को किया कनेक्ट और अंदर साइड से ही इसे ज्वाइंट कर दिया, और इस एम्पलीफायर का पॉजिटिव इधर का कनेक्ट कर दिया बैटरी के, और निगेटिव को इधर, मतलब कि जो वायर्स आप यहाँ पे देख रहे थे यही वायर्स, ये देखिए यही वायर्स इधर भी जा करके स्विचेस से उधर मैंने कर दिया इसे कनेक्ट इस प्रकार से। और जो ये वाले स्पीकर हैं इनके कनेक्शन भी मैंने छोटे वाले एम्पलीफायर में किया है। तो ये स्पीकर के बाद ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों के कनेक्शन मैंने इस छोटे वाले एम्पलीफायर में ही किया है। मैंने इसमें इसलिए नहीं कनेक्ट किया इस बड़े वाले जो खाली पड़ा था, क्योंकि ये 350 वाट का है, मतलब कि ये ज़्यादा वाटेज का है, ब्रिज में 500 वाट तक चलता है, तो इसमें ये छोटे स्पीकर ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कर दिया इसमें कनेक्ट, जिससे कि ये छोटे एम्पलीफायर से वो छोटे वाले स्पीकर बजेंगे और इससे हमारा बेस ट्यूब काम करेगा। तो इस तरीके से मेरे कनेक्शन हो गए कम्प्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कनेक्शन आपको समझ में आए होंगे। तो अब मैं इसे पहले पूरा सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको गाने भी बजा कर देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब मैंने पूरी वायरिंग को सही कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से फुल कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग इसकी। इस तरीके से मैंने केसिंग पट्टी के अंदर इसे सारे वायर को सेट कर दिया, स्पीकर वायर को इस तरीके से क्लिप लगा करके लगा दिया, और अब ये एम्पलीफायर भी सेट है। ये देखिए मैंने ड्रिल लगा करके होल करके इसमें इसे सेट कर दिया इस तरीके से, और एक बोल्ट को इधर सेट कर दिया, और ये अब दीवार में फिक्स हो चुका है। और अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग भी करेंगे, और इसमें आप देख पा रहे मैंने एक कूलिंग फ़ैन भी लगाया था जो कि इस एम्पलीफायर को ठंडा करता है, तो इससे जो हवा निकलती है जिस एम्पलीफायर में भी हवा टकरा रही है तो ये भी हमारा ठंडा करेगा। और अब हम ये भी मैंने LED लाइट भी इसमें लगाई हैं जो कि म्यूजिक के साथ चलती हैं, और ये वाली भी। और अब हम आपको साउंड टेस्टिंग भी इसकी करके दिखाते हैं। तो अब हम साउंड को प्ले करते हैं, और अभी मैंने इसे ब्लूटूथ मोड पर रखा है। फ्रेंड्स अब हम करते हैं साउंड को प्ले और आपको साउंड सुनाते हैं। इस तरीके से लाइट भी ग्लो कर रही है।
सिर्फ लेफ्ट